राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, भाई दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जो कि दीपावली से दूसरे दिन आती है। बंधुओं, इस दिन बहनें अपने भाइयों के तिलक लगाती हैं। यह पर्व रक्षाबंधन के पर्व के समान ही होता है। यह पर्व भाई और बहन के पावन रिश्ते को दर्शाता है। बहनें अपने भाई के तिलक लगाती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। भाई दूज की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता, उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, तुम चले जाना। जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन बोली, दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं तिलक करा कर लौट आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा, दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसा किया। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे है। गोबर से रसोई लिप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ ना लाया, बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा के लिए जो रखे हैं वही दे दो। तो वह बोली,
कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावरी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावरा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो पड़ा है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी, वह भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं, एक बिना गड़ी रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया है जिसके साथ बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम के शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई, ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था, बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, मैं घोड़ी पर चढ़ूं, क्यों चढ़ेगा ये, घोड़ी पर तो मैं ही बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कोए खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, दरवाजे से तो निकलूंगी मैं ही। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया।
जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले तीन बार बोल। नागिन ने तीन बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक ऐसे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ, अपने सारे बहु बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे, देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने भातों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने भाई की रक्षा की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।